चलिए रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, छानबीन की जा रही है इस पूरे मामले की। तो पुलिस विभाग जहां अपनी प्राथमिक कार्रवाई फिलहाल कर रहा है, आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आरोपी कहीं दूर फरार नहीं हुए होंगे, उनसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। चलिए रोहतक से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। हर्षवर्धन, दिन दहाड़े इस तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले एएसआई पर गोलियां दाग दी गई, फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा? आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुबह की घटना है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हुकम सिंह जो है उनको गोली मार दी गई थी, तीन गोलियां मारी गई थी, लेकिन हालांकि दो ही गोलियां उन्हें लगी, एक जो है खाली चला गया था। उसके बाद जो उन्हें पीजे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, फिलहाल उनकी हालत जो है बिल्कुल ठीक बताई जा रही है और पुलिस ने जो है इस मामले में हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो आरोपी है जो इस मामले में जो गोली चलाने वाला है उसकी पहचान कर ली गई है पुलिस के द्वारा। पंकज बुधवार नाम का ये लड़का है और तकरीबन जो है लगभग ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है कि भाई कोई पुरानी रंजिश हो या किसी प्रकार की कोई बात हो, लेकिन उसने इस हत्याकांड करने की कोशिश की हत्या करने की वो अंजाम क्यों दिया, उसने कैसे दिया, वो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल दोनों आरोपी जो थे वो सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जी साक्षी जी, बिल्कुल हर्षवर्धन, पुलिस तो ये कह रही है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह बदमाशों के हौसले इस तरह बुलंद होते जा रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है जब राह चलते लोगों पर इस तरह बदमाशों ने गोलियां चलाई हो। तो कहीं ना कहीं इस घटना से ये जरूर साफ होता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। देखिए साक्षी, कहीं ना कहीं इस चीज को माना जाता है कि जो बदमाश है उनके हौसले काफी बुलंद है और उसके सामने पुलिस जो है कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पंकज बुधवार नाम का जो ये लड़का है इसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और दो मामलों के अंदर ये पिछले दो महीने से वांछित भी चल रहा था पुलिस को, लेकिन जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने की बात करती थी तो और ऐसे के दौरान में उसी इलाके के अंदर आकर के अपने घर के पास आकर के जो इसने गोली मारी है और पूर्व सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल या निशान जरूर उठता है कि पिछले इतने समय से जब वो फरार चल रहा था तब पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई और आज वो एक हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश करके भी चला गया और उसके बाद जो है वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में दोनों आरोपी जो है वो कैद जरूर हुए हैं और बिना पर ये जो पुलिस ने ये पहचान की है कि आरोपी पंकज बुधवार है। जी शुक्रिया हर्षवर्धन आपका जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है।